ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत। आज हम कक्षा नवमी विषय गणित में प्रश्नावली 2.5 पढ़ेंगे। 2.5 में सरल समीकरणों की सहायता से प्रसार करना एवं गुणनखंड करना है। कुछ प्रश्न हमने पढ़ लिए थे। आज हम प्रश्न संख्या 4 उचित सरल समीकरणों की सहायता से निम्न का प्रसारित रूप लिखिए। पहला सवाल है x धने 2y धने 4z की घात 2 को प्रसारित रूप में लिखना। उचित सरल समीकरणों का प्रयोग करके प्रसारित रूप में लिखना। तो यहां 3 व्यंजक हैं x, y और z। तो 3 व्यंजकों वाली सरल समीकरण लगेगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। घात 2 है तो घात 2 वाली सरल समीकरण और 3 घात है तो 3 घात की सरल समीकरण लगेगी। तो ये सरल समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस सरल समीकरण में ये मान रखना। मान किस प्रकार से रखेंगे? x के स्थान पर x, y के स्थान पर 2y और z के स्थान पर 4z रखकर के मान ज्ञात करना। x के स्थान पर तो x, y के स्थान पर 2y, z के स्थान पर 4z, 2xy, 2x और y के स्थान पर 2y प्लस 2yz, y और z प्लस 2zx, z के स्थान पर 4z और x के स्थान पर x। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा इसका प्रसारित रूप या प्रसार। सरल समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx में इसके मान रखने हैं x के स्थान पर x, y के स्थान पर 2y और z के स्थान पर 4z। इसमें रख दिया एक्स स्क्वायर, y के स्थान पर 2y, 2y का होल स्क्वायर, z के स्थान पर 4z का स्क्वायर, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। हल कर लेंगे x स्क्वायर 2 का वर्ग होता है 4, 2y का वर्ग कितना होगा 4y स्क्वायर, 4 का वर्ग 16z स्क्वायर, 2×4xy, 4×8×16yz प्लस 4×8zx। ये इसका प्रसार है, ये इसका प्रसार है। मान लो यहां सहजातीय पद होते तो उनको हम जोड़ सकते थे और जोड़ना चाहिए, मतलब x स्क्वायर है या x स्क्वायर और कहीं होता तो उसको जोड़ लेते। सहजातीय पदों को जोड़ करके फिर लिखना होता है। यहां पर कोई भी पद इसमें सहजातीय नहीं है। तो इस सरल समीकरण का उपयोग करते हुए ये क्या है? इसका प्रसार है। इसी प्रकार इसका अन्य प्रश्न और लेते हैं। इसका मान लो सेकंड वाला या फोर्थ वाला प्रश्न लें, चौथे का फोर्थ, 3a-7b-c का होल स्क्वायर, इसका प्रसारित रूप करना है। 3a-7b-c का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि यहां प्रश्न का रूप किस प्रकार का है। प्रश्न का रूप इस प्रकार का है तो इस सरल समीकरण का प्रयोग करके इसका प्रसार करेंगे।
तो अब यहां एक्स के स्थान पर कितना है, 3a, और वाई के स्थान पर -7b, वाई के स्थान पर -7b और जेड के स्थान पर -c, इस पर रख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। रखिए एक्स के स्थान पर 3a, एक्स के स्थान पर प्लस वाई के स्थान पर -7b, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, अब ये जेड, जेड के स्थान पर -c प्लस 2xy, दो एक्स और वाई -7b प्लस 2yz, दो ये वाई और ये जेड -7b और -c प्लस 2zx, दो जेड एक्स, जेड का मतलब -c और x का मतलब 3a, ये इसके मान रख दिए सर्व समीका में, x के स्थान पर 3a, y के स्थान पर -7b और z के स्थान पर -c, इस सर्व समीका में मान रख दिया। अब होल स्क्वायर कर लो, 3a का वर्ग करेंगे तो 3 दिया 9a स्क्वायर, यहां माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 का वर्ग 7 × 7 = 49, b² माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, 7 का 49 और b का b² प्लस, c का वर्ग c² माइनस हट गया, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस होगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस होता है। इस कोष्टक को सरल करेंगे, पहले तो चिन्ह देखेंगे, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस आएगा, 7 × 21 42 ab प्लस प्लस और माइनस, क्या आएगा, माइनस 7 × 21 42, यहां पर आया, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 7 × 14 और बी को सी से गुणा करेंगे 20, क्योंकि ये माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और गणित को गणित से गुणा कर दो, 2 × 7 = 14 और बी और सी, ये माइनस 3 × 6 सी ए या ए सी कुछ भी लिख दो, 6ac या 6ca। अब यहां कोई भी पद इसमें सजातीय नहीं है, तो इसे व्यंजन का उचित सरल समीका की सहायता से यह इसका प्रसार है, तो यहां यहां लिख लेंगे इसका आंसर। तो कहने का भाव यह है, जैसी सरल समीका वैसा ही प्रश्न देख करके उस सरल समीका का प्रयोग करते हुए हल कर देंगे। मान लो यहां घात 3 है तो 3 घात वाले सरल समीका लगाएंगे, यहां 2 पद है तो 2 पद वाले सरल समीका लगाएंगे, 3 पद है तो 3 पद वाली सरल समीका लगाएंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहां पर सरल समीका में प्लस है तो यहां रखते समय ए के स्थान पर तो 3a और एक्स के स्थान पर 3a और वाई के स्थान पर -7b, क्योंकि यहां क्या है, प्लस है, इसलिए बी के स्थान पर, वाई के स्थान पर -7b और जेड के स्थान पर -c होगा। और प्रश्न देखते हैं इसमें, उचित सरल समीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के प्रसार करना, इसी का छठा सवाल है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। उचित सरल समीकरणों की सहायता से इसका प्रसार करना है, तो हम देख रहे हैं कि सरल समीकरण किस प्रकार की लगेगी, तो हम यह देखेंगे एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर वाले सरल समीका इसमें एडजस्ट हो सकती है, तो वो सरल समीका क्या है, पहले उस सरल समीका को लिखनी चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस दो एक्स वाई प्लस दो वाई जेड प्लस दो जेड एक्स। ये है सरल समीकरण। इस सरल समीकरण में एक्स के स्थान पर ए बटा चार, वाई के स्थान पर माइनस बी बटा दो और जेड के स्थान पर प्लस का एक रखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये प्रसार हो जाएगा। तो यह रखिए एक्स के स्थान पर ए बटा चार या एक बटा चार, ए बटा चार लिख ले इसको, ए बटा चार का होल स्क्वायर एक्स के स्थान पर, वाई के स्थान पर माइनस का बी बटा दो, वाई के स्थान पर क्या आया, इस वाई के स्थान पर क्या आ गया, एक को बी से गुणा किया तो बी बटा दो और ये क्या है माइनस, माइनस का बी बटा दो, और जेड के स्थान पर क्या है एक। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां तक हो गया। उसके बाद आता है प्लस दो एक्स वाई, गुणा कर दो इसको, ये एक्स और ये वाई, प्लस दो वाई जेड, वाई और जेड ये रहा, वाई और ये जेड, प्लस दो जेड और एक्स, दो जेड एक्स, जेड ये रहा और एक्स ये रहा। इसको जब हल करेंगे तो यहां ए बटा चार का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बटा सोलह, इस माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बटा चार, एक का वर्ग एक, इसको गुणा करेंगे तो कट जाएगी संख्या दो से, दो कट गया, माइनस ए बी बटा चार, माइनस ए बी बटा चार, माइनस ए बी बटे चार। इसको हल करेंगे तो दो से दो कट गया, क्या बचा माइनस बी, इसको हल करेंगे दो एकम दो, दो दुआ चार, यह आ गया ए बटा दो। ये इसका प्रसार है, एक बटा चार ए माइनस एक बटा दो बी प्लस एक का होल स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे इसका प्रसार करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर बटा सोलह प्लस बी स्क्वायर बटा चार प्लस एक माइनस ए बी बटा चार माइनस बी प्लस ए बटा दो। इसके छह सवाल हैं, चौथे प्रश्न में कितने हैं, छह प्रश्न हैं। ये छहों प्रश्न आपको आपकी फेयर कॉपी में हल करने हैं।